अगर आप 12th पास आउट कर चुके हैं और आप कंफ्यूज है कि आपको बीकॉम जो है वो रेगुलर से करना चाहिए या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से करना चाहिए, क्या बेहतर रहता है? रेगुलर बेहतर रहेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस बेहतर रहेगा इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज? किनको रेगुलर से करना चाहिए और किनको कॉरेस्पॉन्डेंस से करना चाहिए, आज हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। दोस्तों ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे साथ देखते रहिए। दोस्तों मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली के यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देता हूं, हम एजुकेशन से रिलेटेड, ओपिनियन से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूले, अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और बेल आइकन को दबा दिया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि क्या आपको बीकॉम रेगुलर से करना चाहिए या फिर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस से करना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी कोर्स को कॉरेस्पॉन्डेंस से करने से पहले, आप बीकॉम करने चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप घर बैठे बीकॉम कर ले, तो ये तो फ़ायदा उन लोगों के लिए रहेगा जो कुछ प्रोफेशनल कोर्स साथ में कर रहे हैं। अब जैसे कोई स्टूडेंट है वो CA CS साथ में कर रहा है या फिर कोई CFA साथ में कर रहा है, तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा कि वो बीकॉम जो है रेगुलर से ना करके कॉरेस्पॉन्डेंस से करे, राइट? क्योंकि उनके पास डिग्री की डिग्री मिल जाएगी उनको, इसके अलावा उनका बीकॉम, इसके अलावा उनका प्रोफेशनल कोर्स है वो भी साथ में चलता रहेगा। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रेगुलर बीकॉम को करने में और अब अपना जो प्रोफेशनल कोर्स भी साथ चला रहे हैं। लेट सपोज एक सीए स्टूडेंट है, सीए स्टूडेंट को साथ बीकॉम रेगुलर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना पूरा फोकस करे अपने सीए प्रिपरेशन में और साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस से बीकॉम कर ले, उसकी डिग्री भी मिल जाएगी उसको और उसका सीए भी साथ में हो रहा है। सीए के अलावा आप साथ में सीएस कर सकते हैं, इसके अलावा आप CFA कर सकते हैं, CFP कर सकते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन हैं, इन सब पे हमने वीडियोस बनाए हुए हैं सेपरेटली। आप जाके आई बटन पे प्रेस कर दीजिए या फिर आपको वीडियो के लास्ट में उसके लिंक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं रेगुलर से किसको करना चाहिए। दोस्तों देखिए, रेगुलर और कॉरेस्पॉन्डेंस में डिफरेंस तो बहुत है, उन लोगों के लिए तो ठीक है जो साथ में प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, पर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो प्रोफेशनल कोर्स भी नहीं करना चाहते और सिर्फ अपना बीकॉम कॉरेस्पॉन्डेंस से करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ना करें। रेगुलर से करने का फायदा ये मिलेगा कि आपको एक कॉलेज का एक्सपोजर मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप 12th पास आउट करते हैं, आपकी नॉलेज जो है उतनी लिमिटेड रहती है। जब आप कॉलेज में जाते हैं तो एक जो एनवायरनमेंट होता है स्कूल और कॉलेज का बिल्कुल डिफरेंट होता है। सबसे पहले तो आपका ये फर्क पड़ेगा कि आप कॉलेज का एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, वहाँ पे किस तरीके से काम होता है, कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, क्योंकि दोनों का स्टाइल ऑफ वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट है। इस चीज़ को आप समझे, स्कूल में जहाँ आपकी बाउंडेशंस बहुत होती है, रूल्स रेगुलेशन बहुत होते हैं, कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता इतना, राइट? अब बात करते हैं सैलरी पर्सपेक्टिव की। क्या बीकॉम जो अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस से करते हैं तो सैलरी लग जाती है? दोस्तों देखिए, मैं झूठे दिलासे नहीं दूंगा आपको, झूठे दिलासे देने में कोई मतलब नहीं है, या झूठे वादे में आपको बोल दूं आपको मन तसल्ली करने के लिए कि नहीं लग जाती है। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस से बीकॉम करते हैं तो कोई जॉब नहीं मिलेगी आपको, एक्सेप्ट कॉल सेंटर्स में वगैरह में वो मिल जाएगी, तो वो अलग चीज़ है, वो भी आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है। कॉल सेंटर्स में भी वो आपका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, उसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं तब लगती है, राइट? वैसे बीकॉम करके आप सोचते हैं कि मेरी किसी अकाउंटिंग में जॉब लग जाएगी या किसी फाइनेंशियल कंपनी में जॉब लग जाएगी, कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करो नहीं लगेगी। हाँ, अगर आप बीकॉम रेगुलर से करते हैं तो आपके चांसेस रहते हैं कि आपकी जॉब लग सकती है, कॉलेज में प्लेसमेंट्स वगैरह के भी चांस रहते हैं। मैं इस चीज़ को एक चीज़ में समराइज करूँ, शॉर्ट समरी दूँ, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जैसे CA CS CFA, ये सारे अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप बीकॉम कॉरेस्पॉन्डेंस से करें, वरना बीकॉम रेगुलर से करें। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, ये वीडियो आपको समझाने का एक तरीका था कि क्या आपको रेगुलर से करना चाहिए या कॉरेस्पॉन्डेंस से चाहिए। आई होप आपको चीज़ें अब क्लियर हुई होंगी, चीज़ें समझ आई होंगी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। अगर आपके कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।